बहुत समय पहले की बात है, किशनगंज नामक गांव में सिमरन अपनी माँ कावेरी के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। कावेरी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा कर अपने घर का गुजारा करती थी। सिमरन बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह गरीब जरूर थी, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन सिमरन नंगे पैर घर वापस आती है, तभी कावेरी सिमरन से कहती है, अरे सिमरन बेटा, तुम्हारे चप्पल कहाँ है? कितने दिन बाद तो मैंने तुम्हें चप्पल दिलाए थे और इतनी जल्दी वह तुमने खो भी दिए। तुम्हें पता तो है ही कि हम लोग कितने गरीब हैं, आसानी से कोई चीज नहीं खरीद पाते। फिर तुमने अपनी चप्पल क्यों खो दी? नहीं माँ, मैंने चप्पल नहीं खोई। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, उनके पास चप्पल नहीं थी और उनके पैर में कांटे चुभ रहे थे। मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपनी चप्पल उन्हें दे दी। अगले महीने जब आपको पगार मिलेगी तो आप मुझे दोबारा से दिला देना, तब तक मैं अपना गुजारा ऐसे ही कर लूंगी। सिमरन बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। अब मैं काम पर जा रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना, ठीक है? ऐसा कहकर कावेरी काम करने चली जाती है। तभी कावेरी की मालकिन उससे कहती हैं, कावेरी तुम्हें पता तो है ही 2 दिन बाद क्रिसमस आने वाला है और हमारे घर कितनी बड़ी पार्टी होती है, इसलिए तुम्हें कल जल्दी आना है और पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करनी है और बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, ठीक है? याद रहे कल जल्दी आना है। मालकिन जी, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा कहकर कावेरी झाड़ू पोंछा कर शाम को घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में जाते समय कावेरी का पैर बुरी तरह से मुड़ जाता है और उसके पैर पर सूजन भी आ जाती है। कावेरी बहुत मुश्किल से घर पहुंच पाती है। अपनी माँ को इस तरह से लंगड़ाता हुआ देखकर सिमरन घबरा जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आपको क्या हो गया? लगता है आपके पैर में बहुत ज्यादा चोट आई है। हाँ बेटा, रास्ते में मेरा पैर मुड़ गया था, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। बेटा गर्म पानी करके लेकर आओ, मेरे पैर सुबह तक ठीक हो जाने चाहिए। सुबह मालकिन जी के घर जल्दी जाना है। तुम्हें पता तो है ही अमीर लोग कोई भी त्योहार मनाने नहीं भूलते। क्रिसमस आ रहा है और उसकी बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा काम है। मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मालकिन जी पूरे महीने की पगार नहीं देंगी और फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? उनके घर में काम कर ही तो हम 2 समय का खाना खा पाते हैं। बेटा जाओ, जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके पैर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए तो कितनी ज्यादा चोट लगी है। आप वहाँ नहीं जाएंगी, मैं वहाँ चली जाऊंगी। आप बस आराम कीजिए और कुछ नहीं। अब आपकी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वह अपनी माँ का सहारा बन सके। मैं आपको इतनी तकलीफ में काम करने नहीं जाने दूंगी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो, अपनी माँ का कितना ख्याल रखती हो। मेरे ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ऐसी बेटी सबको मिले। खुश रहो बेटा। ऐसा कहकर कावेरी अपनी बेटी को बहुत सारी दुआएं देती है। कुछ समय बाद सिमरन कावेरी के पैर को गर्म पानी से धारती है, उस पर हल्दी का लेप लगाती है और सुबह 5 बजे उठकर जहां कावेरी काम करने जाती थी वहां काम करने भी चली जाती है। सिमरन मन लगाकर सफाई कर रही थी, तभी वहां पर मालकिन की बेटी सपना सिमरन के पास आती है और वह सिमरन से कहती है, सुन नौकरानी, मेरे रूम की भी बहुत अच्छी सफाई करनी है, उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है। पता है ना क्रिसमस पर रूम को किस तरह से डेकोरेट करते हैं? वैसे तुम लोग तो गरीब हो, दिवाली भी तुम अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते होंगे। फिर तुम्हें क्या पता क्रिसमस क्या होता है, उसकी पार्टी कैसे करते हैं? वो तो सिर्फ हम जैसे अमीर लोग ही मना पाते हैं। रूम में मेरी रेड ड्रेस भी रखी है, उस पर भी इस्त्री कर देना। कल मैं क्रिसमस की पार्टी में उसे ही पहनूंगी। अब खड़े होकर मेरी बातें ही सुनती रहेगी या फिर काम भी करेगी? काम चोर। सपना के मुंह से ये बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख होता है और वह मन ही मन में सोचती है, इन अमीर लोगों को अपनी धन दौलत पर कितना घमंड है। यह गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते, नाली का कीड़ा समझते हैं। इनका जब दिल चाहे उसे कुचल दें। मैं तो यहाँ सिर्फ 1 दिन काम करने आई हूँ,
तो मुझे इतना बुरा लग रहा है। माँ तो यहाँ पर रोज काम करती हैं, उनकी कितनी इंसल्ट होती होगी, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। लेकिन फिर भी माँ घर जाकर कुछ भी नहीं कहती, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। ऐसा सोचकर सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सपना के रूम की सफाई करने चली जाती है। सिमरन सपना के रूम की सफाई कर ही रही थी, तभी सिमरन के हाथ से एक नेल पॉलिश जमीन पर गिर जाती है और वह शीशी टूट जाती है। शीशी की आवाज सुनकर सपना अपने रूम में आती है और अपनी नेल पॉलिश टूटी हुई देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सिमरन को मारना शुरू कर देती है और उससे कहती है, गंवार गरीब नौकरानी, तूने मेरी इतनी महंगी और ब्रांडेड नेल पॉलिश तोड़ दी, तूने खुद को क्या समझ रखा है? नेल पॉलिश को मुझे कल क्रिसमस पार्टी पे लगानी थी, मैंने इसे अपने डैडी से लंदन से मंगाई थी और तूने इसे तोड़ दी। मैंने अपने सभी फ्रेंड से कहा था कि मैंने लंदन से नेल पॉलिश मंगाई है और उसे मैं अपने नेल्स पर लगाऊंगी, अब मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगी? तेरी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मम्मी मम्मी, आप कहाँ हो? जल्दी से आइए, देखिए इस गंवार गरीब नौकरानी ने क्या कर दिया। सपना की आवाज सुनकर उसकी माँ भागकर सपना के पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अपना गुस्सा शांत करो। बेटा, मैं तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देख सकती, मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। मम्मी, क्या होना था, इस गवा ने मेरी ब्रांडेड लंदन से मंगाई हुई नेल पॉलिश तोड़ दी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हमारे घर के नौकर भी ऐसे होने चाहिए, जिनका कुछ तो स्टैंडर्ड हो, ऐसे नहीं गरीब और दो टके के लोग। सपना के इतना कहते ही उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह भी बेचारी सिमरन की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, अगर तुझे काम करना नहीं आता था तो तू अपनी माँ की जगह क्यों आई थी? तेरी माँ क्यों नहीं आई? वह मर गई थी क्या? तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी की सारी क्रिसमस पार्टी तूने खराब कर दी, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। आज तुम्हें पगार मिल रही थी ना, वो भी नहीं मिलेगी। और वह नेल पॉलिश पूरे 10,000 रुपए की थी, समय रहते 10,000 रुपए घर पर पहुँचा देना और अपनी माँ से कह देना कि यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मालकिन और उसकी बेटी बेचारी सिमरन को छोटी सी गलती पर अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। सिमरन अपने घर वापस नहीं जाती और सड़क के किनारे बैठकर बहुत रोती है। छोटी मोटी गलती तो इंसानों से हो ही जाती है, लगता है कि इन अमीर लोगों के सीने में दिल नहीं होता, तभी तो मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा है। मेरी माँ ने पूरे महीने इनके घर पर काम किया और इन्होंने उसके भी पैसे नहीं दिए। अगर माँ को ये पता चलेगा कि मेरी वजह से उनकी नौकरी चली गई और 10,000 रुपये का नुकसान भी हो गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मेरा तो घर भी जाने का दिल नहीं चाह रहा। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरी एक गलती की वजह से ये क्या हो गया। माँ के पैर में चोट है और घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, यहाँ से पैसे मिलते तभी तो हमारे घर का राशन भरता, ये मुझसे क्या हो गया। अगर मैं थोड़े ध्यान से काम कर लेती तो नेल पॉलिश नहीं टूटती और मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ऐसा कहकर सिमरन बहुत फूट फूट कर रो रही थी, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसे सिमरन ने अभी कुछ समय पहले ही अपने चप्पल दिए थे। तभी वह बूढ़ी औरत सिमरन से कहती है, अरे बेटा, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम तो बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? उस बूढ़ी औरत के इतना कहते ही सिमरन उसे अपनी आप बीती बताती है। तभी वह बूढ़ी औरत सिमरन से कहती है, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें दूसरों की मदद करते देखा है, अब तुम खुद इतनी बड़ी मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, यहाँ से कुछ दूर चलकर तुम्हें एक जादुई सीढ़ी मिलेगी, जैसे ही तुम उस जादुई सीढ़ी के ऊपर चढ़ोगी तो तुम बादलों में पहुँच जाओगी और बादलों में जाने के बाद एक जादुई नील पॉलिश का पेड़ मिलेगा,
पहले तुम्हारी परीक्षा होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी परीक्षा में जरूर पास हो जाओगी। और जैसे ही तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगी तो तुम्हें जादुई नील पॉलिश का पेड़ एक जादुई नील पॉलिश देगा, जिसकी मदद से बेटा तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। उस बूढ़ी औरत के कहने पर सिमरन उस रास्ते पर जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद सिमरन को जादुई सीढ़ी नजर आती है। जैसे ही सिमरन सीढ़ी के ऊपर चढ़ती है तो वह बादलों में पहुंच जाती है। तभी सिमरन देखती है कि उसके सामने जादुई नील पॉलिश का पेड़ है और उस जादुई नील पॉलिश के पेड़ से आवाज आती है, बादलों की दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि तुम जादुई नेल पॉलिश लेने आई हो। तुम्हारे सामने एक सवाल है जिसका तुम्हें तुरंत जवाब देना है। एक तरफ तुम्हारे सामने बहुत सारी धन दौलत है, हीरे सोने जवाहरात, और दूसरी तरफ एक बच्चा जिसकी जान खतरे में है। तुम इन दोनों में से क्या चुनोगी? जादुई नेल पॉलिश के पेड़, मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, इसलिए मैं उस बच्चे की जान बचाऊंगी। जादुई नेल पॉलिश के पेड़, असली इंसानियत तो वही होती है ना जो दूसरों की मदद करते हैं। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम्हारे अंदर इंसानियत है, इसलिए तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश मिलती है। तुम इस जादुई नेल पॉलिश को लगाकर कुछ भी मांग सकती हो, वह तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। सिमरन बादलों के जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से एक जादुई नेल पॉलिश लेकर पृथ्वी पर आ जाती है और अपने हाथ पर लगाकर एक सुंदर नेल पॉलिश और 10,000 रुपए मांगकर सपना के घर लेकर जाती है और उसे देती है। सपना, यह लो 10,000 रुपए और नेल पॉलिश, इसे अपने पास रखो। हाँ, मैं एक कल बहुत बड़ी क्रिसमस पार्टी दे रही हूँ जिसमें गाँव के सभी लोग आ रहे हैं, गरीब भी और अमीर भी। तुम भी जरूर आना। तुम अपनी क्रिसमस पार्टी में जो पैसे खर्च करोगी वह पैसे तुम्हारे बच जाएंगे, ठीक है? आना मत भूलना। ऐसा कहकर सिमरन तो वहाँ से आ जाती है, लेकिन सपना अंदर ही अंदर बहुत जलती है। कल तक गरीब लड़की जो हमारे घर में नौकरानी थी वह पूरे गांव को क्रिसमस की पार्टी दे रही है, इसका तो बहुत नाम हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पता लगा कर ही रहूंगी आखिर इस नौकरानी के पास ऐसी क्या जादुई चीज है जिसकी मदद से यह इतनी अमीर हो गई। घर जाकर सिमरन जादुई नेल पॉलिश के बारे में अपनी माँ को भी बताती है और अपनी माँ के पैरों पर भी वह जादुई नेल पॉलिश लगाती है और उसकी माँ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगले दिन सिमरन क्रिसमस की पार्टी बहुत बड़ी रखती है जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं, सपना भी आती है। और कुछ समय बाद सपना को पता चल जाता है कि सिमरन के पास जादुई नेल पॉलिश है जिसे लगाते ही जो भी कुछ मांगो वह मिल जाता है। तभी सपना वह जादुई नेल पॉलिश लगाकर कहती है, जादुई नेल पॉलिश, मेरे पास बहुत सारे धन दौलत आ जाए और सिमरन की बच्ची दोबारा से गरीब हो जाए, सड़क पर आ जाए, उसके पास कुछ भी ना बचे। सपना के इतना कहते ही उसके हाथ से खून निकलने लगता है और वह बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। तभी बादलों के जादुई नेल पॉलिश से आवाज आती है, तुझ जैसी घमंडी और लालची लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तू सिमरन बेचारी को गरीब करना चाहती है ना, तो तू गरीब हो गई। तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची और जिस तरह तेरा दिल बदसूरत है ना, उसी तरह तू भी बदसूरत होगी। अब तू हमेशा ऐसे ही रहेगी। सपना को उसके घमंड और लालच की सजा मिल जाती है और सिमरन की अच्छाइयों की वजह से उसके पास बादलों की जादुई नेल पॉलिश थी जिसकी मदद से वह क्रिसमस की पार्टी बहुत धूमधाम से सभी गांव वालों के साथ मना रही थी। और उसके बाद जादुई नेल पॉलिश की मदद से सभी गांव वालों को एक एक गिफ्ट भी देती है। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सिमरन भी अपनी माँ के साथ बहुत हंसी खुशी क्रिसमस की पार्टी मनाती है और एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।